क्या आपकी कार में हर वो चीज है जिसकी आपको इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत पड़ सकती है? इसको जानने के लिए आप जरूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी कार में हमेशा होनी चाहिए हमें हर इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैवे। हम सब लोग अपनी कार में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बेसिक टूल्स और पानी की बॉटल, ये सब तो रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमारी कार में होनी चाहिए ताकि हम उनको इमरजेंसी कंडीशंस में यूज कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी कार में होनी चाहिए और हमें उन्हें कहाँ रखना चाहिए ताकि हम उन्हें इजिली एसेस कर पाए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको ये अच्छी लगे तो जरूर उन लोगों को दिखाइए जिनकी आप केयर करते हैं, क्योंकि इस तरह से आप उनकी एक हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा अपनी कार में ये रिफ्लेक्टिव जैकेट रखनी चाहिए, क्योंकि ये जैकेट अंधेरे में भी शाइन करती है। और कभी आपकी कार रात को ख़राब हो तो आप इसी को पहनकर अपनी कार ठीक करिए और इस तरह से आप अपने आप को एक एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। हम लोगों को अपनी कार के साथ ये रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल्स मिलते हैं, पर बहुत लोग इसको अपनी कार में कैरी नहीं करते। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अपनी कार में ज़रूर कैरी करिए, और मैं ये रिफ्लेक्टिव जैकेट भी इसी के अंदर फोल्ड करके रख रही हूँ और इसको मैं यहाँ डिक्की में रख रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कार में ये रोप कैरी करें। इसके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुक्स है। कभी अगर हमारी कार ख़राब हो जाती है और हम इसे टो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये रोप बहुत ज़रूरी है। मैं इसको भी यहाँ डिक्की में रख रही हूँ। गाड़ी में फर्स्ट एड किट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपोलो फार्मेसी से ली है। इसके अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट किट है और अगर आपकी कुछ ज़रूरत की मेडिसिन है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। ये भी ड्राइवर के लिए बहुत ईजिली एसेसिबल होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ उसको ड्राइवर सीट के साइड वाले डोर में ही रख रही हूँ। रोड रेज आजकल एक बहुत कॉमन टर्म है, इसलिए ड्राइवर को अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये चिली स्प्रे बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए। इसमें ये एक लॉक है जो सिर्फ ट्विस्ट करने से ऑन हो जाता है, इसलिए मैं इसको एकदम ड्राइवर सीट के पास रख रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। वो कार में एक्सप्रेस वे पे कहीं जा रही थी और उसे कहीं पे टॉल पे करना था और उसने उस वक्त रियलाइज किया कि वो अपना वॉलेट नहीं कैरी कर रही है और उसने अपनी कार में कहीं पे सिर्फ 50 रुपए रखे हुए थे जिससे उसने अपना टॉल पे किया। तो इससे हमें समझ आता है कि हमारे को हमेशा अपनी कार में कुछ इमरजेंसी मनी ज़रूर रखना चाहिए किसी भी पुराने वॉलेट में, क्योंकि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये हमें बहुत काम आएगा। इसलिए मैंने अपने इस पुराने वॉलेट में थोड़े से पैसे रखे हुए हैं ताकि इमरजेंसी में मैं इसको यूज़ कर सकूँ और मैं इसको यहाँ डैशबोर्ड में रख रही हूँ। कभी अगर गाड़ी में आग लग जाती है या कार पानी में गिर जाती है तो अंदर के लोग ट्रैप हो जाते हैं। इस टूल से आप इजीली कार का ग्लास तोड़ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसको हमेशा ड्राइवर सीट के नीचे रखना चाहिए। कभी मौसम ख़राब हो और गाड़ी भी ख़राब हो जाए, ऐसे सिचुएशन के लिए लोग अपने पास जनरली एक अम्ब्रेला रखते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास एक रेनकोट रखिए ताकि आपके दोनों हैंड्स फ्री हो जाएं और आप इजीली और क्विकली अपनी गाड़ी ठीक कर पाएं। ताकि ड्राइवर इसको इजीली निकाल पाए, मैं इसको पैसेंजर सीट के पीछे यहाँ सीट कवर में रख रही हूँ। और फाइनली हमें अपनी कार में एक टॉर्च रखनी चाहिए। फ़ोन में फ्लैश होती है, लेकिन कभी अगर बारिश हो या फ़ोन की बैटरी लो हो तो ऐसे में आपको टॉर्च ही काम आएगी। सो गाइज, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी कार में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन सपोज करिए आपकी कार की ख़राब हो गई जिसको आप खुद ठीक नहीं कर सकते, तो इनके लिए भी सर्विसेज होती हैं जो वहीं पर आके आपकी कार ठीक कर देंगे ताकि आप कहीं भी अटके ना रहें। आप इनको अपने एरिया में सर्च करिए और उनके नंबर हमेशा अपने फ़ोन में सेव करके रखिए ताकि आप वक्त आने पर उनको यूज़ कर सकें। और इसके अलावा आप कार ट्रैकर्स,
कार चार्जर्स, ये सब चीज़ें भी अपनी कार में रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।